नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल काके दी रसोई में। और आज हम बनाने वाले हैं सेवइयाँ, जो कि झटपट से बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में। तो चलिए फिर इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 100 ग्राम हमने सेवइयाँ लिए भुनी हुई, और साथ ही हमने लिया है 3 चम्मच चीनी, साथ ही लिया है 200 ml दूध, और लिया है आधा चम्मच देसी घी। तो इसे बनाने के लिए हमें एक बर्तन चाहिए, तो हमने इसे लो फ्लेम पर रख दिया है। एक पतीली का उपयोग कर रहे हैं हम, और इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे सेवइयाँ, क्योंकि अगर हम इसमें घी डालेंगे तो घी बहुत जल्दी ही जलने लगता है। तो पहले सेवइयाँ डालेंगे और साथ ही इस तरीके से घी डालेंगे और फिर से चलाएँगे। वैसे तो सेवइयाँ पहले भुनी हुई होती है, लेकिन हमने एक बार इसे घी के साथ भून लिया है, तो ये देखिए थोड़ी वाइट हो गई है। अब इसमें दूध ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम सारा दूध डाल देंगे, और जो किनारे पे सेवइयाँ लगी है उसे भी हम छुड़ा लेंगे ताकि वो जले ना या चिपके ना। और इसे मिक्स करेंगे इस तरीके से, और अब हम इसमें एक इलायची डालेंगे। तो इस तरीके से इलायची को फोड़ लें, आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इलायची के बाद चीनी भी डाल देंगे। तो सारी चीज़ें हमने एक साथ डाल दी हैं, और अब इसे लो फ्लेम पे ही इसी तरीके से पकाएंगे इसे। तो ये देखिए हल्का सा उबाल आने के बाद अब सेवइयाँ ऊपर आना शुरू हो गई है, और ये गाढ़ा भी होने लगा है। तो लगभग 5 से 7 मिनट हमें इसे पकाना है। और ये देखिए हमारी सेवइयाँ अब रेडी है। तो गैस को कर देंगे बंद, और अब करेंगे इसकी प्लेटिंग। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, और उसके बाद इसकी गार्निशिंग करेंगे टूटी फूटी के साथ। साथ ही हमने कुछ बादाम लिए हैं बारीक कटे हुए, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को बनाते वक्त भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी रेसिपी सेवइयों की, बहुत ही सिंपल। गर्मा गर्म खाइए, इसे सर्व कीजिए, और एक बार इसे बना के ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाती है। तो दोस्तों एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अपने सुझाव हमारे साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए।